75 साल में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका क्यों आया कि ये कदम उठाने पड़े? आप गरीबों का खून चूस चूस के और अपने दोस्तों की तिजोरी भर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने भी, मुझे लगा शायद इसका जवाब देंगे, मैंने उनकी पीसी देखी, इधर उधर की बात करते रहे, मनीष सिसोदिया ये है, दिल्ली सरकार ये है, कि अपने दोस्तों की तिजोरी भरने के लिए आपने देश का खजाना इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा दिया कि आज आपके पास में स्कूल खोलने के पैसे नहीं है, अस्पताल खोलने के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि दूध दही पे भी टैक्स लगेगा लोगों के। आज प्रधानमंत्री जी के दोस्तवाद की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 75 साल में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका क्यों आया कि ये कदम उठाने पड़े? तो ये फिर इधर उधर की बात करने लगते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने भी, मुझे लगा शायद इसका जवाब देंगे, मैंने उनकी पूरी पीसी देखी, इधर उधर की बात करते रहे, मनीष सिसोदिया ये है, दिल्ली सरकार ये है, वो सारा ठीक है, चलो अब बताओ कि अपने दोस्तों की तिजोरी भरने के लिए आपने देश का खजाना इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा दिया कि आज आपके पास में स्कूल खोलने के पैसे नहीं है, अस्पताल खोलने के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि दूध दही पे भी टैक्स लगेगा लोगों के, इतनी बुरी हालात में देश की अर्थव्यवस्था को क्यों पहुंचा दिया? आज आपके दोस्तवाद की वजह से, आज प्रधानमंत्री जी के दोस्तवाद की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आप गरीबों का खून चूस चूस के और अपने दोस्तों की तिजोरी भर रहे हैं, और जब सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये दोस्तवाद क्यों चल रहा है, इसकी वजह से टैक्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इसकी वजह से सरकारी सुविधाएं उन पे महंगी क्यों होंगी, उस पे पैसा क्यों लगेगा, तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 10 लाख करोड़ का कर्जा क्यों माफ़ किया, 5 लाख करोड़ का टैक्स क्यों माफ़ किया, जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए देश में कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाना पड़ रहा है जो 75 साल में कभी नहीं लगा, आपको ऐसे ऐसे कहना पड़ रहा है कि आज अब फ्री में कुछ दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा, इस हालात को आपने देश में क्यों धकेला, इसके जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की बातें तो आप करते ही रहते हैं। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।